जुड़ी हुई है प्रिया राजश्री, क्योंकि चलिए अब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रंग जो है वो शुभ रहने वाला है और किन नंबरों के हिसाब से, तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, तो सबसे ज्यादा शुभ रंग आज के दिन पीला माना जाता है जी, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है तो आप अपने बाल गोपाल जी को या अपने मंदिर को पीले रंग से जरूर सजाएं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके साथ साथ अगला नंबर अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, मूलांक 2, अगर आप अपने बाल गोपाल जी को, अपने कृष्ण जी को ब्लू, लाइट ब्लू कलर के वस्त्र गिफ्ट देंगे, उन्हें पहनाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पानी का रंग, 2 नंबर वैसे भी पानी से एसोसिएट करते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। नंबर 3, जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, आपके लिए ऑरेंज कलर, अपने बाल गोपाल जी को ऑरेंज कलर के प्यारे प्यारे कपड़े आप पहनाए, फ्रेश नए वस्त्र पहनाए। तो देखिए अंजलि जी, ऐसे माना गया है कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल का हमारे किताबों में मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा मटेरियल के कपड़े उनको पहनाने चाहिए, सिर्फ कलर मेंशन है, तो ये कलर आपके लिए काफी अच्छा और शुभ रहेगा। अगला नंबर, किसी भी तारीख, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 तारीख को हुआ है और तो आपके लिए, और 31st, तो आपके लिए बहुत शुभ है कि आप गोल्डन कलर के वस्त्र, गोल्डन कलर का अपना मंदिर सजाएं, वो भी रंग के आप फूल लेकर आए, एक्सेसरीज लेकर आए, आपके लिए वो शुभ रंग है। अगला नंबर, अगर आपका जन्म मूलांक 5, अगर आपका जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो ग्रीन कलर, हरा रंग आपके लिए काफी शुभ है आज के दिन। अगला नंबर की तरफ बढ़ते हुए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है तो आपके लिए पिंक कलर के वस्त्र आप कृष्ण जी को अपने जरूर दें, जरूर उनके लिए लेकर आए, वो आपके लिए शुभ है। अगली डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं, 7, 16 और 25, मूलांक 7, आपके लिए ऑरेंज कलर बहुत शुभ है। ऑरेंज कलर में वैसे भी उनका रंग बहुत निखर के आएगा, आप देखिएगा आपका मंदिर बहुत ज्यादा ब्राइट और ग्लो करेगा, तो आप ये जरूर लेकर आए। अगला नंबर, मूलांक 8, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 को हुआ है तो आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग बहुत अच्छा है। आप जब भी जन्माष्टमी होती है तो हम अपना घर फूलों से और पत्तों से भी सजाते हैं, गार्लैंड्स एंड लीव्स जिनको बोला जाता है, तो वो पत्तों का रंग, हरा रंग आपके लिए अच्छा है। आखिरी नंबर, मूलांक 9, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है तो आप अपना दरबार या अपने कृष्ण जी, अपने बाल गोपाल जी के वस्त्र लाल रंग के लेकर आए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शुभ रंग है आपके लिए आज। बिल्कुल, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमने जाना कि कौन सा रंग। प्रिया राजजी, क्योंकि जन्मोत्सव का जब समय आता है, जैसे जैसे घड़ी नजदीक आती है तो हर किसी के मन में बस होता है कि बाल गोपाल का वो जो स्वरूप है उस समय, वो एक अलग ही रौनक, एक अलग ही छटा होता है, लोगों के घर सुख समृद्धि बनी रहे, किसी के घर कोई दरिद्रता ना आए, ऐसे चीजों को लेकर आज के दिन किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना जो है वो होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान इस बीच रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और अगर नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो वो कितना ज्यादा शुभ होता है इस दिन से। देखिए अंजलि जी, इस दिन आप कोई भी काम की शुरुआत करेंगे वो बहुत शुभ माना जाता है, और जैसे कि हर व्रत में आप हर किसी के भी, आप कोई भी इंसान व्रत रखता है, व्यक्ति व्रत रखता है, सबसे पहली चीज आप सुबह उठ के स्नान कीजिए, फ्रेश कपड़े पहनिए, मंदिर की सफाई करनी बहुत जरूरी है, आपका घर एकदम साफ होना चाहिए, परिवार में उस दिन किसी से भी ऊंचा ना बोले, गलत ना बोले, घर का माहौल बहुत ही शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने घर में फूलों की सजावट करें। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा बोला जाता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को अपने घर बुलाएं, मिलके सजावट कीजिए, उसमें और फायदा होता है। साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जिनका भोग लगाने से, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि बहुत आपको फायदा देता है, स्पेशली हम की अगर बात करें, बिजनेस सक्सेस की बात करें, तो सबसे पहली चीज बोली जाती है, अगर आप कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो उससे घर में बहुत खुशियां आती है, बहुत परिवार के साथ आपका प्रेम बना रहता है।
दूसरी चीज, अगर आप कान्हा को खीर का भोग लगाते हैं तो बोला जाता है कि आपके काम में आपको एक प्रेस्टीज मिलती है, एक बरकत मिलती है खीर का प्रसाद का भोग लगाने से कान्हा को, आपको वो एक पोजीशन आपके ऑफिस में आपके बिजनेस में मिलती है जो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपकी सक्सेस में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ ऐसे कहा जाता है कि 7 पान के पत्ते आप जरूर मंदिर में दरबार में रखिए, पूजा के बाद में आप वो पान के पत्ते अपने लॉकर में रख सकते हैं, जहाँ पे आप घर में कैश रखते हैं आप वहां रख सकते हैं, वो बरकत के लिए बोला जाता है, सक्सेस के लिए बोला जाता है। और आखिरी चीज जो आप कर सकते हैं, पीली स्वीट्स का भोग लगाएं, पीली मिठाइयां जैसे कि लड्डू हो गए, पेड़े हो गए, पीला रंग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत शुभ माना जाता है, तो अगर आप पीली मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो बोला जाता है कि वो वेल्थ में आपके मनी फाइनेंसेस में आपको हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज किसी भी व्रत में है कि सात्विक भोजन खाना, बिल्कुल लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है क्योंकि उनको भी तामसिक बोला जाता है, मीट नहीं, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं, ये चीजों से आप दूर रहें। आप बोला जाता है कि आज के वक्त में डेयरी दूध दही जरूर खाए, बिल्कुल, क्योंकि वो कृष्ण जी को बहुत प्रिय थी जी। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा दिन काफी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कृष्ण जी के भजन कीर्तन कीजिए, पूरा दिन नाच गाना होता है, सब खुशियां मनाते हैं, डांस करते हैं जी, बिल्कुल। तो ये चीजें जरूर कीजिए और आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो आप सभी का दिन बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि पावन दिन जब कृष्ण जन्माष्टमी और बाल गोपाल नटखट कन्हैया जब जन्म लेंगे, अवतरित होंगे इस धरती पर, तो हर किसी की आंखें बस उन्हें देखने के इंतजार में हैं कि कब बाल गोपाल इस धरती पर अवतरित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया राज जी आपका और डॉक्टर डीपी शास्त्री जी आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां आज के विशेष दिन को देने के लिए। तो दर्शकों आपने जाना